हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। तो इस चैप्टर के कई सारे टॉपिक्स को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पर रहते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, इन सब के बारे में भी डिटेल में स्टडी हम कर चुके हैं। इनके सेपरेट्स वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, जिससे कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। इसका मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हमारे बीच में क्या संबंध है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए किस तरह से यूजफुल हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वह सिर्फ हमें डिजीजेस कॉज करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें सिर्फ हार्म पहुंचाते हैं, हमें सिर्फ नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत कम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो हमें डिजीजेस कॉज करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं बच्चे जो हमें हेल्पफुल रहते हैं, हमारी मदद करते हैं। मदद कैसे करते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी में जो हम फूड खाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो फूड है वह डाइजेस्ट होता है, तो उस फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको सिंपलर सबस्टेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, हमारे फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। अगर हमारा डाइजेशन अच्छा होगा तो इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारी बॉडी में कई तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज हम ब्रेड बनाने में करते हैं, जो हम पाव भाजी खाते हैं तो उसका जो पाव बनता है, जो बर्गर खाते हैं तो उसका जो बर्गर बन बनता है, जो ब्रेड खाते हैं, केक खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं, ये सब भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ही बनती हैं। जो हमारे घर में दही बनता है, आपने देखा होगा कि आपकी जो मम्मा है वह दूध से दही बनाती है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि दूध से दही कैसे बन गया, ऐसा क्या हो गया कि दूध था और दूध से वह दही में कन्वर्ट हो गया। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे कि दूध से दही कैसे बनता है। तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ डिजीजेज ही कॉज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी कई तरह से हेल्प करते हैं। तो चलिए देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स, हमारी लाइफ में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वह है कई तरह से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, हमारे जो फूड प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है, जो मेडिसिन इंडस्ट्रीज हैं उनमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है, बहुत सारी मेडिसिंस ऐसी होती हैं जो माइक्रोब्स से बनती हैं, अल्कोहल माइक्रोब से बनता है, और जैसे कि हमारे सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसको भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज करते हैं, सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लाइफ में कई तरह से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज, जैसा मैंने आपको बताया था कि कई तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉजेज डिजीजेज, और कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, हमें डिजीजेज कॉज करते हैं, लेकिन बहुत कम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो हमें डिजीजेज कॉज करते हैं, और बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल हैं, हमारी मदद करते हैं, ठीक है। चलिए, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेज, कई पर्पजेज से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक, कर्ड बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, बर्गर बन बनाने में, पाव भाजी का पाव बनाने में, इन सब में किसका यूज किया जाता है, इन सब में यूज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जिसकी हेल्प से हम अच्छा अच्छा खाना खा पाते हैं और अच्छे अच्छे खाने का टेस्ट ले पाते हैं, ठीक है बच्चे। तो देखिए, मिल्क से कर्ड कैसे बनता है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कि दूध से दही कैसे बनता है। तो दूध से दही बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए मिल्क, ठीक है। दूध से दही बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले मिल्क चाहिए।
तो हम बाजार गए और बाजार से हम लेके आ गए मिल्क। अब जो हम मार्केट से जो मिल्क लेके आए हैं वह मिल्क कैसा है? वह मिल्क रॉ मिल्क है, वह मिल्क रॉ मिल्क है। अब इस मिल्क को हमें सबसे पहले गर्म करना पड़ेगा। गर्म क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो रॉ मिल्क है उसमें बहुत सारे बैड बैक्टीरियाज रहते हैं, तो अगर हम रॉ मिल्क को ही पी जाएंगे तो जो बैड बैक्टीरियाज हैं वह भी हमारे स्टमक में चले जाएंगे और हमें कई तरह की डिजीजेज हो जाएंगी। तो इसलिए सबसे पहले हमें रॉ मिल्क को गर्म करना होता है अप्रॉक्स 80 डिग्री सेल्सियस, लगभग 80 डिग्री सेल्सियस तक हमें उसको गर्म करना है। जिससे होगा क्या? जिससे होगा ये कि जो मिल्क है उसमें जो बैड बैक्टीरियाज थे वह सारे मर जाएंगे और हमारा दूध बन जाएगा हेल्दी मिल्क। अब हमारा दूध कैसा बन गया बच्चे? हमारा मिल्क कन्वर्ट हो गया हेल्दी मिल्क में, ठीक है। अब हमें इस मिल्क को कूल डाउन करना है, हमें इस मिल्क को क्या करना है? कूल डाउन करना है अप्रॉक्स 37 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर हमें लेके आना है। हमने गर्म किया था 80 डिग्री सेल्सियस पर, इसका टेम्परेचर कितना था? इसका टेम्परेचर था 80 डिग्री सेल्सियस। अब उस 80 डिग्री सेल्सियस से हमें उसका टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस तक लेके आना है, हमें उस दूध को ठंडा करना है। चलिए अब ये काम भी हमने कर लिया, हम दूध लेके आ गए, हमने गर्म भी कर लिया और उसको ठंडा भी कर लिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें इस मिल्क में थोड़ा सा कर्ड ऐड करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे? इस मिल्क में थोड़ा सा कर्ड ऐड कर देंगे, लगभग 1 टेबल स्पून कर्ड। केवल 1 टेबल स्पून कर्ड ऐड करने से ही यह पूरा मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम जामुन भी बोलते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी बोलती है कि बेटा दूध में थोड़ा सा जामुन डाल देना जिससे कि वह दही बन जाए, ठीक है। तो सिर्फ 1 टेबल स्पून कर्ड से ही पूरा दूध दही में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये कैसे होगा? ये होगा इसलिए क्योंकि इस कर्ड की थोड़ी सी अमाउंट में ही इतने ज़्यादा बैक्टीरियाज होते हैं इसमें कि वह पूरे की पूरे दूध को कर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यह है रिच इन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है। क्या होता है इसमें? बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इसमें पाया जाता है, या फिर हम इसको लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है बच्चे? इसकी फुल फॉर्म है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या फिर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, जिससे कि वह पूरे की पूरे दूध को दही में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। अब ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है? मिल्क में जो लैक्टोज होता है, मिल्क में क्या होता है? लैक्टोज होता है। लैक्टोज क्या है बच्चे? लैक्टोज एक तरह की शुगर है। लैक्टोज क्या है? लैक्टोज इज अ नेचुरल शुगर। तो इसमें जो लैक्टोज होता है वह क्या करता है? इस लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर देता है। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वह क्या करता है? इस लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर देता है और ये बना देता है इसमें लैक्टिक एसिड, ठीक है। ये क्या बना देता है? इसमें लैक्टिक एसिड बना देता है, जिससे कि जो दूध है उसका जो स्वाद है वह खट्टा हो जाता है। तो दूध का खट्टा स्वाद कैसे हुआ? दूध का खट्टा स्वाद हुआ लैक्टिक एसिड की वजह से, क्योंकि दूध में लैक्टिक एसिड बन गया और उसकी वजह से दूध का जो मिल्क का जो स्वाद है वह कैसा हो गया? खट्टा हो गया। अब आपने देखा होगा कि जो दही होता है उसका जो टेक्सचर होता है वह कुछ अलग तरह का होता है, वह है चिकना चिकना रहता है। तो अब वो कैसे आता है? तो बच्चे मिल्क में लैक्टोज भी रहते हैं, मिल्क में प्रोटीन भी तो रहते हैं। तो मिल्क में पाया जाता है कैसीन नाम का प्रोटीन। मिल्क में क्या पाया जाता है? कैसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है।
यह प्रोटीन ग्लोबुल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इस तरह से किसकी फॉर्म में प्रेजेंट रहता है? ग्लोबुल्स की फॉर्म में, ठीक है। अब क्या करता है, ये जो लैक्टिक एसिड बना है ये क्या करेगा, इस कैसीन को कर देता है ब्रेक डाउन। कैसीन को क्या कर देता है, ये ब्रेक डाउन कर जाता है। तो कैसीन का क्या होता है, कैसीन का होता है बेटा कोएगुलेशन, कोएगुलेशन होता है, जिसकी वजह से जो दूध है वह दही में कन्वर्ट हो गया और जो टेक्सचर आता है दही का वह किसकी वजह से आता है, वो आता है कैसीन के कोएगुलेट होने की वजह से। जो कैसीन प्रोटीन है वह कोएगुलेट हो जाता है और उसी की वजह से जो दही का टेक्सचर आ पाता है, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से दूध से दही का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो दूध से दही बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट है दैट इज कर्ड, और उसमें क्या होता है, उसमें पाया जाता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जिसकी वजह से जो दूध है वह दही में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो हमने देखा कि दूध से दही कैसे बनता है, अब जो ब्रेड बनता है, केक बनता है, ये सारी चीजें कैसे बनती हैं। तो जब हम ब्रेड का या फिर केक का डो बनाते हैं तो उस डो में हम ऐड करते हैं यीस्ट। डो में हम क्या ऐड करते हैं, यीस्ट ऐड करते हैं। यीस्ट क्या है, यीस्ट इज अ फंगस, यीस्ट है बेटा फंगस। तो जब हम उस डो में यीस्ट ऐड करते हैं तो उस डो में शुगर होती है। जो हमारा जो डो बनता है वह किसका बनेगा, या तो मैदे का बनेगा या फिर आटे का बनेगा, ठीक है। तो आटे में क्या होती है, शुगर होती है। तो यीस्ट शुगर के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है और क्या बनाएगा बच्चे, CO2 बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड बनने की वजह से वह क्या करती है, उस डो को फुला देती है। जो डो इतनी छोटी सी अमाउंट में था वह इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इतना ज़्यादा बड़ा क्यों हो गया, क्योंकि इसमें CO2 का फॉर्मेशन होता है और CO2 का फॉर्मेशन होने की वजह से जो डो है वह फूल के ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बनते हैं हमारे केक एंड ब्रेड, ठीक है। केक एंड ब्रेड बनाने के लिए हमने क्या ऐड किया, हमने ऐड किया उसमें यीस्ट। जो हमारा कर्ड होता है उसमें भी यीस्ट पाया जाता है, कर्ड में यीस्ट भी रहता है। तो जब आपने कभी देखा होगा कि जब हम भटूरे का आटा लगाते हैं तो हम उसमें क्या डालते हैं, हम उसमें दही डालते हैं, हम उसमें दही डालते हैं और दही डाल के हम उसको 5-6 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख देते हैं। और 5-6 घंटे बाद आप क्या देखते हो कि जो भटूरे का आटा है जो थोड़ा सा हमने लगाया था वह फूल के बड़ा हो जाता है। तो बड़ा क्यों हुआ, क्योंकि उसमें CO2 का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से केक्स एंड ब्रेड बनते हैं। चलिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेज। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज हम एल्कोहल के प्रोडक्शन में भी करते हैं। अब एल्कोहल के प्रोडक्शन में कैसे किया जाता है, तो जो हमारे ग्रेन्स होते हैं जैसे कि बार्ले, व्हीट, इनके जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं उनमें क्या किया जाता है, उनमें माइक्रोब्स को छोड़ दिया जाता है। और जब हम उनमें माइक्रोब्स को छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ साथ में प्रोड्यूस होता है एथेनॉल। क्या प्रोड्यूस होता है, एथेनॉल। और एथेनॉल क्या है, एथेनॉल इज अ एल्कोहल। एथेनॉल क्या है, एथेनॉल ही एल्कोहल है। तो जब हम बड़े बड़े कंटेनर्स में जो ग्रेन्स के कंटेनर्स होते हैं उनमें माइक्रोब्स को छोड़ देंगे तो किसका प्रोडक्शन होगा, एल्कोहल का प्रोडक्शन होगा। अब ये जो प्रोसेस है वह ऐसा नहीं है कि 1-2 साल का प्रोसेस है। जो एल्कोहल बनने का जो प्रोसेस है उसमें 10-20 ईयर्स लगते हैं। उसमें कितना टाइम लगता है, 10-20 साल लग जाते हैं एल्कोहल के प्रोडक्शन में। तो एल्कोहल बनाना इतना भी आसान नहीं होता है। जब हम एल्कोहल बनाते हैं तो यह काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। तो एल्कोहल बनता है
और किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हेल्पफुल है, दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरमेंट। जो हमारा एनवायरमेंट है उसको क्लीन करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काफ़ी हेल्पफुल है। अब एनवायरमेंट को क्लीन कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट वेजिटेबल पील्स रिमेन्स ऑफ द एनिमल्स फेसेस एटसेट्रा आर ब्रोकन डाउन इन द हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेज बाई बैक्टीरिया। तो एनवायरमेंट को क्लीन कैसे करते हैं, देखिए एनवायरमेंट को क्लीन कैसे करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास में वेजिटेबल पील्स हैं, फ्रूट पील्स हैं एंड ह्यूमन एक्सक्रेटा है, काव डंग है, ये सारी चीज़ें अगर हम खुले में ऐसे ही छोड़ देंगे और अगर इनका डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा जो एनवायरनमेंट है वह पॉल्यूट हो जाएगा, उसमें बहुत तरह के बैड बैक्टीरिया आ जाएंगे जिससे कि हमें कई तरह की बीमारियां हो जाएंगी। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वह क्या करते हैं, इन सारे की सारे जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं। तो डिकम्पोज कैसे करते हैं, देखिए मान लीजिए कि ये हमारे पास में एक प्लांट है, ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, एक प्लांट है। अब ये प्लांट कहाँ लगा होगा, ये प्लांट लगा होगा सॉइल में, और मान लीजिए ये हैं इसकी रूट्स, ठीक है, ये इसकी रूट्स हैं। तो ये लगा होता है सॉइल में, ये क्या है हमारे पास, सॉइल है। अब इस सॉइल में हम क्या करेंगे, हम डाल देंगे इसमें वेजिटेबल पील्स, क्या क्या डाल देंगे, वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स, फ्रूट पील्स, ह्यूमन एक्सक्रेटा भी किस में जाता है, सॉइल में जाता है, काव डंग, बफेलो डंग, जितने भी एनिमल के जो डंग होते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर्स, ये सब किस में जाते हैं, सॉइल में जाते हैं। और सॉइल में क्या रहते हैं, सॉइल में रहते हैं माइक्रोब्स, सॉइल में रहते हैं माइक्रोब्स। तो ये माइक्रोब्स क्या करेंगे, ये माइक्रोब्स इन सब का डिकम्पोजिशन कर देंगे, इन सब का क्या कर देंगे बच्चे, डिकम्पोजिशन, ये सब इनका क्या कर देंगे, डिकम्पोजिशन कर देंगे। जब इनका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, ये पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाएंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं मैन्योर में। और मैन्योर में क्या होते हैं, बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी सॉइल को न्यूट्रिएंट्स एनरिच बनाते हैं, जिससे कि हमारा जो प्लांट है वह अच्छे से ग्रो कर पाएगा। ठीक है, तो समझ में आया कि ये किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसन। बैक्टीरिया का यूज हम मेडिकल इंडस्ट्री में भी करते हैं, बहुत तरह की मेडिसन बैक्टीरिया की हेल्प से बनाई जाती हैं। जब हमें कोई बीमारी हो जाती है, जैसे कि हमें कफ, कोल्ड, फीवर अगर कुछ हो गया है, तो हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर हमें क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं एंटीबायोटिक्स। अब वो एंटीबायोटिक्स क्या करता है, जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो हमारी बॉडी में जो बैड बैक्टीरियाज हैं वह उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या करेगा, उन बैड बैक्टीरियाज की ग्रोथ को रोक देगा और हम ठीक हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो कई तरह की एंटीबायोटिक्स माइक्रोब्स की हेल्प से बनाई जाती हैं। तो कई तरह की एंटीबायोटिक्स किसकी हेल्प से बनाई जाती हैं बच्चे, माइक्रोब्स की हेल्प से एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं। और क्या बनाए जाते हैं, पेन किलर्स, पेन किलर्स बनाए जाते हैं किसकी हेल्प से, फंगस की हेल्प से। वैक्सीन्स बनाई जाती हैं, नजल स्प्रेज बनाए जाते हैं, ये सब किसकी हेल्प से बनते हैं, ये सब बनते हैं माइक्रोब्स की हेल्प से, फंगस की हेल्प से, बैक्टीरिया की हेल्प से, एल्गी, प्रोटोजोआ, इन सब की हेल्प से कई तरह की मेडिसन्स बनाई जाती हैं। तो इस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका यूज हम मेडिकल इंडस्ट्री में भी करते हैं। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। जैसा मैंने आपको बताया था अभी कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वह इंक्रीज होती है,
जो हमारी सॉइल है वह न्यूट्रिएंट्स एनरिच बनती है, किसकी हेल्प से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से, क्योंकि जितने भी डेड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनको वो डिकम्पोज कर देते हैं और मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारी जो सॉइल है उसमें काफ़ी तरह के न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं और हमारा जो प्लांट है वह अच्छे से ग्रो कर पाता है। और सॉइल की फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज होती है, जो हमारी सॉइल में नाइट्रोजन होती है उसको भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फिक्स करते हैं। सॉइल में जो नाइट्रोजन फिक्स होती है वह कौन से बैक्टीरिया से होती है, यह हम चैप्टर 1 में भी पढ़े हैं। तो जो सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स करता है दैट इज राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। सॉइल में जो नाइट्रोजन फिक्स होती है वो होती है राइजोबियम बैक्टीरिया से। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वह क्या करता है, वह एनवायरनमेंट की जो नाइट्रोजन होती है उसको सॉइल में फिक्स कर देता है। अब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि अगर हमारे एनवायरनमेंट की सारी नाइट्रोजन सॉइल में आ जाएगी, सॉइल में फिक्स हो जाएगी, तो एनवायरनमेंट में तो नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट में नई नाइट्रोजन वापस से आ जाती है। अब वो नाइट्रोजन कैसे आती है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जब हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन का साइकिल किस तरह से चलता है, एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन कैसे आती है और किस तरह से सॉइल में जाती है, और सॉइल से किस तरह से वह नाइट्रोजन वापस से एनवायरनमेंट में चली जाती है। तो इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। आज के सेशन में इतना ही। आज मैंने आपको बताया है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हमारे बीच में क्या संबंध है, किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी मदद करते हैं, हमारे लिए हेल्पफुल रहते हैं। तो आज के सेशन में हमने पढ़ा है कि दूध से दही किस तरह से बनता है, ब्रेड एंड बटर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह से यूज किए जाते हैं, मेडिकल इंडस्ट्री में किस तरह से यूज किए जाते हैं, एल्कोहल का प्रोडक्शन कैसे होता है, सॉइल की फर्टिलिटी किस तरह से इंक्रीज होती है। तो ये सारे टॉपिक्स हमने आज के इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए द नॉलेज नुक्कड़ के साथ।